विश्वकर्मा कॉलोनी में आवारा सांड ने जेपी गुरुकुल हाई स्कूल पिंजौर के एक स्टूडेंट को सींग मारकर किया घायल, आंख बची। सोमवार को आवारा सांड ने विश्वकर्मा कॉलोनी में पैदल जा रहे एक स्टूडेंट को सींग मारकर घायल कर दिया। गनीमत रहे कि स्टूडेंट की एक आंख बच गई। पीयूष 8वीं कक्षा का स्टूडेंट है और वह घर जा रहा था। पिंजौर निवासी भूपेंद्र राय ने बताया कि जेपी गुरुकुल हाई स्कूल पिंजौर का एक स्टूडेंट जो पैदल घर जा रहा था कि आवारा सांड ने गली में पीयूष के सींग मार दिया, जिससे उसके माथे पर गहरी चोटें आई हैं, जबकि आंख पर चोट लगने से बच गई। विश्वकर्मा कॉलोनी हनुमान मंदिर वाली गली में इन दिनों आवारा पशुओं के कारण स्कूली छात्रा छात्राओं को गलियों से निकलना मुश्किल हो गया है। आवारा सांड और गाय सड़क और गलियों को घेरे रहते हैं, जिस कारण पैदल चलने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिंजौर शहर की गलियों में कुल मिलाकर 25 से 30 के करीब आवारा सांड और गायें होंगी। यदि जिला प्रशासन और नगर परिषद विभाग से कहकर इन आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करें तो 2 या 3 दिनों में आवारा पशु पकड़े जा सकते हैं और शहर की गलियां और सड़कों पर बैठे रहने वाले इन आवारा पशुओं से लोगों को तो निजात मिलेगी ही, साथ ही गंदगी भी नहीं होगी और लोगों को राहत की सांस मिलेगी।